हिसार ग्वालियर क्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपशब्द कहे थे। उनके कही गई बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ब्राह्मण समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से प्रदर्शन करते हुए प्रीतम सिंह लोधी का पुतला फूंका गया और प्रीतम सिंह सहित छतरपुर के 5 लोगों के खिलाफ ब्राह्मणों की भावना को आहत पहुंचाने के मामले में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोगों ने एक तो ये पिछोर का प्रीतम लोधी जो है उसने ब्राह्मण समाज के पीठाधीश्वर कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए अभद्र टिप्पणी कर माताओं बहनों के लिए भी गलत सोच है इसकी, उसके समक्ष हम लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक महोदय के पास सर्व ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है। इस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई कर। और दूसरा ज्ञापन जो है हम लोगों ने दिया है ये पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर को, प्रदीप चौरसिया महाराजपुर का है, प्रदीप चौरसिया लक्ष्य के नाम से उसकी आईडी है, और एक उमा शंकर लटोरिया, ये दोनों ही लगातार ब्राह्मण समाज के लिए सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां, अभद्र पोस्टें और गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके पोस्टें डालते हैं। हमारे पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के लिए भी ये लोग बहुत ही अभद्र प्रकार की भाषा यूज करते हैं। ये सर्व ब्राह्मण समाज छतरपुर द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें विधायक प्रीतम लोधी जी द्वारा जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ कमेंट्स की गई है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए है। और एक और आवेदन है जिसमें प्रदीप चौरसिया और साथ में अन्य लोग हैं, देवराज सिंह राजपूत, मोहन सिंह लोधी, इसमें भी इनका यही कहना है कि इन्होंने ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का कंटेंट को डाला है। इसकी हम जांच करा के